हेलो फ्रेंड्स, आज तीन तीन मूवी रिलीज हुई है, मलंग, हैग और शिकारा। तीनों मूवी का पब्लिक रिव्यू लेने वाला हूं मैं। लोगों से पूछने वाला हूं कि आउट ऑफ फाइव वो कितना स्टार देंगे मूवी को, उनको मूवी का फर्स्ट हाफ अच्छा लगा या सेकंड हाफ अच्छा लगा, मूवी देखनी चाहिए या स्किप कर देनी चाहिए, ये सारा कुछ पूछने वाला हूं। इन तीनों मूवीज़ के पब्लिक रिव्यू देख के आपको ये पता चल जाए कि मूवी आपको देखनी चाहिए और कौन सी मूवी आपको देखनी चाहिए, कौन सी मूवी आपको स्किप कर देनी चाहिए। हो सकता है ये भी कि आपको तीनों मूवी अच्छी लगे, हो सकता है आपको तीनों ही अच्छी ना लगे। पब्लिक रिव्यू को देखिएगा, पब्लिक रिव्यू से आपको ये अंदाज़ा मिल जाएगा। अगर आपने मूवी देख लिया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मूवी आपको कैसी लगी, आउट ऑफ फाइव आप कितना स्टार देना चाहते हैं मूवी को। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, आपके कमेंट का भी रिप्लाई करूँगा। थैंक यू। हाउ वाज द मूवी हैग? वाज फैंटास्टिक। एक्टिंग वाज, हिना खान की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। हाँ बस, और क्या बताऊँ। पाँच में से कितना स्टार दोगे? थ्री स्टार। थैंक यू। सो हाउ वाज द मूवी हैग? इट वाज गुड मूवी। आपको ऐसा लगा देख के मूवी की ऐसा हो सकता है वाकई में? पाँच में से कितना स्टार दोगे आप? थ्री। आप? एंड फर्स्ट हाफ इज बेटर और सेकंड हाफ इज बेटर? आई गेस सेकंड हाफ वाज बेटर। सेकंड हाफ एक्चुअली इक्वल इक्वल। गाने कैसे हैं? गाने बिल्कुल भी रिमेम्बरेबल नहीं लगे मुझे। आपको लग रहा है कि मूवी चलेगी या पिट जाएगी? आई डोंट थिंक सो। इट्स सो लाइक इट्स सो माय पीपल शुड कम एंड वॉच और स्किप दिस मूवी। व्हाट डू यू से? या मींस थॉट इज न्यू, कैरेक्टर जो है हिना खान का, हिना खान के अलावा कोई और ज्यादा एक्टिंग कैसी थी हिना खान की? अच्छी। उनको और मूवीज करनी चाहिए या सीरियल में ज्यादा बेटर थी वो? शी इज गुड इन मूवीज। आपने कुछ नहीं बोला? सब इन्होंने ही बोल दिया। बट द मूवी वाज रियली अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर, बिकॉज इन साउथ इंडियन मूवीज वी एक्चुअली सी दीस काइंड ऑफ all these kind of different kind of acts, but it has been a Bollywood movie. Fine. अच्छा लगा मूवी आपको? थैंक यू। थैंक यू। कौन सी मूवी देख के आ रहे हो दोस्त? हैग्ड। कैसी लगी? इट्स प्रीटी गुड। आउट ऑफ फाइव हाउ मच यू वुड रेट? फोर। फोर। क्या अच्छा लगा मूवी में? मूवी में अबाउट दैट साइबर क्राइम एंड अबाउट कि किस तरह साइबर क्राइम्स होते हैं बाय द एडोलेसेंट्स एंड यही सब, मतलब इट्स प्रीटी गुड कॉन्सेप्ट अबाउट दैट। सो आज तीन मूवी रिलीज हुई, हाउ डिड यू थॉट कि यही मूवी देखते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो? आई हैव सीन दैट ट्रेलर हैग का और तीनों में से आउट ऑफ दैट सबसे बढ़िया ये था। सबसे बढ़िया ये था। सो वर यू एबल टू रिलेट कि आज के डेट में ऐसा होता होगा एक्चुअली में साइबर क्राइम में? यस, इट्स उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो रिलेट कर रही थी कि कैसे हमारे आसपास अराउंड द वर्ल्ड हम घिरे रहते हैं इन्हीं चीज़ों से, अबाउट दैट नेट सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स और ये सब क्राइम होना। सो डू यू थिंक आप जब ये मूवी देखा आपने तो आपको कुछ ऐसे चीज़ें पता चली जो एक्चुअली में होती होंगी लेकिन आपको पता ही नहीं थी साइबर क्राइम में? कुछ लर्निंग मिल रहा है इस मूवी से? फर्स्ट हाफ बेटर था या सेकंड हाफ? इट्स सेकंड हाफ। एंडिंग वाज रियली वेरी गुड। पीपल शुड कम एंड वॉच। हाँ यस। किनको आके देखनी चाहिए मूवी ये? एडल्ट्स को आके या स्टूडेंट्स को आके या टीनेजर्स को या बच्चों को, किसको आके देखनी चाहिए मूवी? 18 टू 19 के बीच में जो होते हैं एडोलेसेंट्स, उनको मेनली देखनी चाहिए क्योंकि उस टाइम मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से पेरेंट हैव टू हैंडल दैट थिंग। ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू। आपको कैसी लगी मूवी? नाइस। फाइव में से कितना स्टार दोगे? थ्री और फोर। कितने लोग थे थिएटर में? लेस देन टेन। लेस देन टेन। फर्स्ट डे फर्स्ट शो आपने देखा? हाँ जी। जब आप मूवी देख रहे थे कुछ ऐसा सीन आया जहाँ पे मतलब ऐसा कुछ बोरिंग लगा आपको कि आपने फ़ोन यूज़ करना शुरू कर दिया? नो। फ़ोन यूज़ किया था मूवी के टाइम पे? नो नो। नहीं यूज़ किया था। ऑलराइट। सो विच हाफ वाज बेटर, फर्स्ट हाफ वाज बेटर और सेकंड हाफ वाज बेटर? I think whole the movie is better. Entire movie is better. Yes. How is the concept? Concept is about that. अच्छा था concept इसका, मतलब कि जो आज के time पे काफ़ी चीज़ें इस movie में हमें दिखाई गई कि cyber crimes ऐसे ऐसे हो जाते हैं, मतलब कि काफ़ी चीज़ों के बारे में हमें ऐसी थी जो हमें नहीं पता था, जो हमें इस movie को देख के पता चला। तो आपको लगता है कि और लोग आके देखनी चाहिए ये movie? Yes. हिना खान कैसे लगी?
हिना खान आई डोंट लाइक हिम. तो एक्टिंग कैसी लगी? एक्टिंग अच्छी. तो मूवी किसके लिए आए थे? हिना खान को देखने के लिए आए थे या ये कॉन्सेप्ट के ऊपर जो मूवी बनी है उस मूवी था ना, मतलब कि जब हमने इसका ट्रेलर वगैरह देखा तो हमें ये मूवी देखने में सोचा कि इसको देख के आते हैं. ये काफ़ी वैसी थी साइबर वाली और कुछ हम लोगों को थोड़ी सी ऐसी चीज़ें पसंद थी. अच्छा, आप लोग साइबर हैकर्स तो नहीं हो? नहीं नहीं. ऑल राइट, गुड गुड, ठीक है, थैंक यू सो मच. अगर आप मूवीज़ के पब्लिक रिव्यूज़ देखते हैं या वीडियो ब्लॉग्स देखते हैं या ट्रैवलिंग के वीडियोज़ देखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मूवी आपको कैसी लगी और अगर आपने मूवी देख लिया है तो आप आउट ऑफ 5 कितना स्टार देते हैं मूवी को, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. मैं सारे कमेंट को खुद पढ़ता हूँ और खुद हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ. आप कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट का भी रिप्लाई करूँगा. थैंक यू.